बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो बहुत अपार कृपा गुरु महाराज जी की बख्शिश हुई है। तीन दिन तो इस समागम चल रहा सी, शुक्रवार गुरु महाराज जी पहुंचे सन। तो बहुत सारी संगत ने, सरसे दी सारी संगत ने बहुत भव्य गुरु महाराज जी का स्वागत किया। असी देखिया मूवियां दे विच, फोटो दे विच, तो सारी सरसा दी संगत बहुत बहुत वधाई दी पात्र है। जो बड़ी मेहनत नाल सारी संगत ने, बहुत मेहनत दे नाल चांद चावला जी, सुदर्शन बजाज जी, वेद मल्होत्रा जी, उमेश जी, बिट्टू जी, जितने भी सारे, राजू रेलन जी, जितने भी सारे सेवादार ने, सारी संगत ने, और मैं खास कर बधाई दिना इन्हां बच्चियां नूं, इन्हां ने बहुत जिम्मेवारी संभाली है। तो आने वाले वक्त दे विच सतगुरु जी कृपा करन इन्हां बच्चियां दे उपर, इन्हां नूं होर बल दे, ये अगे आके गुरु महाराज के पावन चरणों की सेवा विच होर समा दे, ताई साडा जीवन बदल सकता है। एहो गुरु महाराज जी की कृपा है, एहो गुरु महाराज जी का संदेश है। तो सारी संगत सरसा दी बहुत वधाई दी पात्र है। गुरु महाराज की अपार कृपा, अपार रहमत हुई है। और बेनती करांगा कि स्वामी तुरियानंद ट्रस्ट के प्रधान श्री हरि ओम जी अरोड़ा, तो सरसा दी संगत वल्लों गुरु महाराज के पावन चरणों में ट्रस्ट के सेवादारा गुरु महाराज जी तो शुभ आशीर्वाद, इन्हां दी इच्छा है तो गुरु महाराज जी तो शुभ आशीर्वाद लैणगे। तो हरि ओम जी अरोड़ा स्वामी तुरियानंद ट्रस्ट के प्रधान गुरु महाराज जी के पावन चरणों में जा करके सहारनपुर दरबार से बहुत समा गुरु महाराज के चरणों में सेवा विच दिंदे ने। हरि ओम जी अरोड़ा, तो बहुत अपार कृपा है गुरु महाराज की, बहुत अपार कृपा है सारे परिवार उपर, ही अपार कृपा है। तो सतगुरां की अपार कृपा इसे तरह बनी रहे। बिहारी लाल जी तमीजा, श्री बिहारी लाल जी तमीजा, देखो इस उम्र दे विच भी मैं पहला भी बेनती की सी, किन्ना जोश है, किन्नी उमंग है गुरु महाराज के पावन चरणों नाल जुड़े हुए ने। श्री बिहारी लाल जी तमीजा जो रोज हर रोज ही सवेरे 10 बजे तो लेकर के 1-2 बजे तक दरबार से हाजरी देंदे ने, जितना भी सारा काम काज है इन्हां दी देख रेख हेठ हुंदा, तो बहुत अपार कृपा है। प्रवीण वधावन जी स्वामी तुरियानंद ट्रस्ट के सैकटरी, प्रवीण वधावन जी करनाल तो, पिछले दिनों के दौरान करनाल भी समागम होया सी, बहुत मेहनत की सारी संगत ने, करनाल की संगत भी बड़ी अपार कृपा। स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज और उस तो बाद परम पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, इन्हों की बड़ी अपार कृपा। करनाल से भी बड़ी अपार कृपा, अज देखो सरसे की संगत से कितनी कृपा हुई है। मैं पिछली कोई गल नहीं करांगा, साल का 2 साल का गैप पिया है, जो भी होया है। देखो गुरु महाराज जी की लीला से, गुरु महाराज जी साढ़े को देह रूप विच दूर होए लेकिन कण कण विच विराजमान ने। आ सारी संगत उपर देखो कितना प्यार नाल इकट्ठे हो के सारे ने इस समागम नूं संपूर्ण करन वास्ते सेवा दित्ती है। तो सतगुरु जी कृपा करन सारी संगत उपर, सरसे दी सारी संगत उपर गुरु महाराज जी की कृपा नाल, और एकता और इतफाक इसे तरह सारे अंदर बनी रहे। और सरसे तो ठंडिया हवावां दरबार वाल आउंदियां रहे, ये गुरु महाराज के पावन चरणों में बेनती है। सुभाष मल्होत्रा जी जो बहुत गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी के नाल चलते ने, बहुत अपार कृपा है। रिटायर्ड प्रिंसीपल श्री सुभाष मल्होत्रा जी, वह भी गुरु महाराज के चरणों में जुड़ के, बहुत अपार कृपा है उन्हां दी, बहुत सेवा विच जुटे ने। जितना भी लिखा पढ़ी का काम है गुरु महाराज जी का, सारा स्कूल का आश्रम का ये देखते ने, तो बहुत अपार कृपा है। कृपा इन्हां ते भी सदा बनी रहे। तो जितना भी बात ये है
कि आदमी कोई भी आदमी अगर कोई उसनू रोल मिलता है तो प्यारे सत्संग जी रोल ता ही मिलता हैगा जे वो करन लायक होंदा है। लेकिन कई बारी है भी दूजिया की परेस करता रह जाता लेकिन हुन अपनी किवें करे। अरे तुसी देखते दे हो शायद सरसे दे विच साडे मैक्सिम जयपुर सरसा दे विच असी यानी कि ये मिस्टर मिंदर पाल टल मैं अगे भी कई बार समागमां च कह चुका पिछे तलवंडी होया सी उत्थे भी मैं गल कीती भी इन्होंने मेरे नाल बहुत योगदान किया। अज जो भी स्थिति है चाहे इस आश्रम की है चाहे हरिद्वार आश्रम है चाहे सहारनपुर है तलमंडी है या जयपुर है प्यारे सत्संग जी इन्हों का बहुत योगदान है। मैं याद है भी इन्हों को एक गैस सिलेंडर वाली कार होंगी सी उस गैस के नाल चलती सी उन्हां समय की गल है और ये समझ लो भी असी मकराना तो मार्बल लैन जाते सीगे और मार्बल का साडा हो जिहड़ा हैगा प्रोजेक्ट सीगा 35 to 40 lakh रुपए का सीगा और उन्दे च असी उन्दे नाल एक शर्त कर बैठे महाराज जी दी स्वामी अचलानंद गिरी जी भी साडे नाल सीगे उन्हां नाल एक असी कर बैठे भी जिहड़ा हैगा असी जिहड़ा मार्बल लैना है वह स्नो वाइट लैना। स्नो वाइट वह भी एग्री कर गया असी भी एग्री कर गए सौदा हो गया एडवांस देता। फिर दूसरी अगली शर्त असी उन्हें यह कही भी असी जिन्नी देर तक कोई भी जो पत्थर पास नहीं करांगे तू सहारनपुर नहीं भेजेगा। साडा पास किया होएगा असी मार्किंग पेन के नाल उन्हें ते सिग्नेचर करांगे। और प्यारी सत्संग जी उस वास्ते असी उस शर्त तो रख ली रखी तो असी भी तंग आ गए वह भी तंग आ गए हुण एडा वड्डा पत्थर दे विचों तुसी जिहड़ा हैगा स्नो वाइट पत्थर लभोगे कित्थों। आफ्टर आल नैचुरल है कोई बनावट नहीं है कुदरती है कोई आर्टिफिशियल नहीं है तो उहदे वास्ते सानू कई बार उत्थे जाना पिया और अगर गए तो वह सारी मैं कदी गड्डी नहीं चलाई ये मैंने चलाण ही नहीं दिंदे सीगे। कारण उसका यह सीगा मेरी स्पीड इन्हां नूं ठीक नहीं लगदी इन्हों की स्पीड तेज मैं जरा थोड़ा मैं आपे ही मैंने मैं मैंने भाई जरूरत ही नहीं गई चलान की क्योंकि तू मेरी तेरी चलाई मैं पसंद ही नहीं आनी। तो उस कहन का मतलब यह है इस हर मिस्टर मिंदरपाल टल ने मेरे नाल बहुत साथ दिता 2008 तो लैके अज तक अज भी तुसी देखते हो अपने समागम दे विच इत्थे होया तलवंडी हुंदा पिया साडे सहारनपुर होंदा हरिद्वार होएगा और हर जगह हुंदा इन्हां दा योगदान बहुत है। और तुसी देखते भी इत्थे ऐ आंदे ने भी जिवें असी लुधियाने साडे मिलरगंज हैगा वो मिलरगंज असी साडे घर तो दूर नहीं है खास ये इत्थे ऐ आंदे ने भी जिवें मिलरगंज इत्थे हैगा यानी कहन का मतलब है भी 2-2.5 घंटे तक समय क्योंकि जोड़ा बंदा जयपुर जा सकता है मकराने रातों रात जा सकता है तो सरसा का नाल ही है ये तो खंडौना ही लगता है। सो एनीवे बहुत सहयोग रहा और अगे भी चलेगा और ये भी साढ़े जड़े संस्था के जड़े ने जॉइंट सैकटरी ने और इन्होंने जोड़ा है उस हिसाब के नाल अपना जोड़ा योगदान बहुत है। और मैं सारी संगत समाज को खास तौर पर सरसा वाले कहूँगा भी एकदार इन्होंने बारे जोरदार तालियां बजाई जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं चाहवागा ये सहयोग थोड़ा जहा ये राजनीति च भी पैर पाते ने और मैं खिंचना ये जाते ने भज भज जिमें माया दो लेकिन काफ़ी छड़ता लेकिन हजे भी कसर हैगी। और यह फाइनैशियल ईयर जोड़ा मैं अभी साढ़े को टारगेट है ने असी वो टारगेट पूरे करने और गुरु महाराज की कृपा के नाल जोड़ा है बहुत अच्छा आप सब के सहयोग के नाल देखो गल ये है भी जिनी देर तक मैं जी बल जी बाणी बोली है तो इन कथनी और करथनी का प्लीज़ तुम बड़ा ध्यान रखो आने वाले समय के इसे ना करो। मैं अगे भी बड़ी जगह कह चुका और मैं हूँ भी तुम्हें कह सकता देखो गल ये है भी जोड़ा तपोवन है वह तो एको ही है
गुरु महाराज के दरबार से पांच ने लेकिन तपोभूमि एको ही है और तपोभूमि कही है सहारनपुर आश्रम। देखो सहारनपुर आश्रम के मेरे गुरु महाराज ने स्वामी तुरियानंद ने मैं नहीं बनाया, स्वामी अचलानंद ने नहीं बनाया, स्वामी कृष्णानंद ने नहीं बनाया, स्वामी दयानंद जी ने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया नियम जड़ी है। अगर असी वाणी पढ़ते पे हाँ तो उन्होंने अगर उन्होंने नियम है तो उन्होंने अगर असी उन्होंने नियमों का पालन नहीं करांगे उल्लंघन करांगे प्यारी साध संगत जी साडा साफ ठीक नहीं हो सकता। तो उन्हां दा नियम सीगा उन्होंने चौदस बनाई सी, असी चौदस ते इत्थे कर रहे हैं, असी चौदस कर रहे हैं या पूर्णिमा कर रहे हैं प्यारी साध संगत जी, जो चौदस उत्थे मनाई जाती है। और तुसी देखो और जिहड़े जिहड़े जीव उत्थे आंदे पए ने जिन्होंने पिछले 14 साल 1500 तो लगातार चौदस ते आंदे पए ने उन्हां दा जीवन देखो बदलाव देखो और तुहानू अपने आप पता लग जाएगा भी 15 साल पहले की सी अज की सी। उन्दे च अमिंदरपाल भी एक नंबर है। ये भी मैं तुम्हें कहा उदों को गैस वाली जी कार सीगी और अज गुरु महाराज के पांच शैलर ने, पांच शैलर के मालिक ने। और साडे कोल मैं बहुत फॉर्चुनेट हाँ, मैं अपनी ट्रस्ट से बहुत फॉर्चुनेट हाँ भी साडे ट्रस्ट के जिन्हें भी साडे ट्रस्टीस ने गुरु महाराज के बनाए हुए ने और गुरु महाराज के सारे एक तो एक चढ़ती गलों से हरिओम जी ने इन्हों जीवन देखो इन्हों की जीवन शैली देख लो। इन्होंने भी जीवन साढ़े तो पहली ट्रस्ट से भी काम करते रहे और हूँ भी कई काम किया 2008 तो साढ़े न लगातार कर रहे हैं। अगर अज जो पहले सैकटरी के रूप से हूँ प्रधान के रूप च करेंगे और आने वाला समा पता नहीं कि दा की हो जाएगा। इस तरह ही साढ़े कैशियर साहब, इस तरह ही वधावन जी ने, इस तरह ही मल्होत्रा जी ने। देखो गल है इन्हों की भी कोई एज घट नहीं, मेरे तो प्लस हैगी है 2-7 साल वड्डे ने, गुरु महाराज के नाल भी चलते रहे और अज मेरे नाल भी कहते जिथे जाओगे उत्थे महाराज जी उत्थे मैं जावांगा। सवाल यह है अंदर है अग्नि है अंदर क्षमता भी है, क्षमता फिर वो अपने आप दे देता। तो अग्नि पैदा करो तुम जिहड़ा है अपनी पैदा करो। लोग कहते महाराज जी सानू तुम बुलाते नहीं, क्यों सानू यो ही काम रह गया तुहानू ना बुला का सानू काम है नहीं। असी तो कहने आओ और तुम थोड़ा जहा मेरे कहने तुम एक बार जी सहारन पाशम 2, 4, 5, 11 पूर्णमाशियां अटेंड करके देखो फिर तुहाडे जीवन च अगर बदलाव नहीं आएगा। जिहड़े चक्कर च असी इत्थे फिरते हैं उसका कारण केवल और केवल एक है क्योंकि असी जड़ दे नाल नहीं लगे हुए, असी टहनियां दे नाल लगे हुए हाँ। असी ये ठीक है साढ़े बाप का, ये ठीक है ये साडा पूजनीय स्थल है लेकिन जिहड़ा तपोवन है जो सिद्ध पीठ है वह केवल और केवल एक ही है और वो है सहारनपुर आश्रम। मेरी बेनती आप स्टाफ नू तुसी भी एक बारी ये प्रयास करो जिवें हुण तलुंडी वाले भी तो इत्थे बैठे ने, करनाल वाले भी इत्थे ने, सहारनपुर वाले भी आए हुए ने। तुहाडा भी धर्म मनदा है हर पर्व ते उत्थे आओ, आंदे भी ने, ऐसा नहीं भी कोई नहीं आंदे लेकिन मैं चाहना सारिआं दा भला होवे, सरबत का भला हो, सरबत का भला अपने आप नहीं होना। प्यारे सत्संग जी अगर अच्छी एक फुलवाड़ी बनानी होवे तो उन्दे वास्ते मेहनत प्रयास करना ही पैंदा है, मेहनत प्रयास तो बिना कुछ नहीं हुंदा, तुहानू प्रयास कर्म प्रयास करना ही पएगा। और अगर आप चाहते हैं असी चाहते हैं चलो साडा तो जीवन तिवें निकबड़ गया लेकिन साडे बच्चों का की बनेगा, साढ़े बच्चों नू जिन्हां नू रस्ता नहीं उधर का पता ये कौन दसेगा। माँ बाप दसते ने मार्गदर्शन, माँ बाप दसते या गुरु दसे या माँ बाप दसे। तो मेरी बेनती आप तो आप सबनों है खास तौर पर मावं भैनों है भी ये जरा है अपना मूव जो है उधर आके देखो जिमें असी चाहते हैं भी इतने जिमें बच्चे जोड़े साढ़े गए ने आप काम कारते तो बच्चों अगे लाता लेकिन जे आश्रम है जोड़े साढ़े धरोहर ने जोड़े आने वाले जिन्होंने साडा संभालना है वो अगर नहीं आ रहे अज अज इन साढ़े कहन के उत्ते अज प्रवेलिंग जी कमेटी है इन्होंने सारे लगे लाया और असी बहुत खुश हाँ। कोई 4 बजे का ड्यूटी दे रहा कोई राती 12 बजे सौं के सवेरे 4 बजे तक का ड्यूटी देता पे दसो बहुत प्रभावित होए बहुत जिस हिसाब के ना तुसीं मेरा वेलकम किया मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी। हर बंदे का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने इस तरह का मैं इस तरह का ही आने वाले समय तो भी आप एक अच्छा माहौल बनाइए एक कोआर्डियल माहौल बनाइए एक भैन भरावान वाला माहौल बनाइए। छोड़ दो पिछला कोई बात नहीं जब जागो तभी सवेरा।
जब जागो तभी सवेरा। आप जरा है एक अच्छा करिए, और मैं पूरी उम्मीद है, मैं इस उम्मीद लैके अब वापस जावगा। मैंने इन्होंने पूछा तो प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम तो यह है भाई मैं अज भी रहा, मैं रहन तो आया सीगा दो दिन वास्ते, लेकिन प्यारी सत्संग जी मन नहीं करता भी ठीक है किसी का कोई सवाल, किसी की कोई गलबात, किसी का दुख सुख, मैं हज भी हाजिर हाँ। मैं उस दिन भी तुम्हें दसिया सीगा भी मैं शुक्रवार जिस दिन आया सी मेरा बोलन का कोई प्लैनिंग नहीं सी, रात मैं मल्होत्रा जी को कह रहा सी भी मल्होत्रा जी जे उत्थे बोलन ना तुसी इहो जिहा माहौल बना देना मैं बोलना ना पे, लेकिन तुहाडे जिहड़े निघे स्वागत ने तुहाडे निघे मैनू मजबूर करता, मैं ही कह दिता मैनू माइक दिओ। सो कहण दा मतलब है प्यारे सतसंग जी लैण वाला चाहिए, देण वाला हर वेले तैयार है। पात्रता बनाओ, जीवन च पात्रता बनाओ, मंगते मरण की लोड़ नहीं पेगी। अगर असी चाहते हैं साढ़े जीवन दे विच अपने आप आवे, अपने आप सानू मिलता जाए, जो बनता है सानू मिलता जाए, और जिन्हें लै रहे ने सिर्फ उन्होंने फॉलो कर लो, उन्होंने जुत्तियों के अपने पैर पा लो, कुछ नहीं करना, कोई तुहानू पढ़न की लोड़ नहीं है, तुहानू सिर्फ जो बड़े कर रहे हैं जो जिन्होंने इस पासे जाके उन्नति की है तरक्की की है उन्होंने पैरों के पैर अपने पा लो। इन शब्दों के नाल मैं आप जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जी ने जिस सहयोग दिता आने वाले समय च असी होर आपसे उम्मीद करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। तो बहुत कृपा गुरु महाराज जी की, अपार कृपा अपार रहमत बख्शिश हुई है, सेवादारा नूं मान दिंदे ने, ये महापुरशां दा सहज सुभा हुंदा है। तो सारे सेवादारा नूं बहुत अपार कृपा गुरु महाराज जी की बख्शिश है, और सारी सरसा की संगत बहुत बहुत वधाई की पात्र है, सारी संगत वधाई की पात्र है। तो अखीर दे विच गुरु महाराज के पावन चरणों के विच बहुत ज्यादा मान सम्मान गुरु महाराज के पावन चरणों में हमेशा ही मिले है, और परम पूजनीय सतगुरु देव जी महाराज और संगत वालों ट्रस्ट वालों ये बेनती भी गुरु महाराज के पावन चरणों के विच कि जिस तरह परम पूजनीय सतगुरु देव जी महाराज स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज जिस तरह उन्होंने अपनी गोदी दे विच चक के प्यार दिता है सारियां नूं दलार किया है, इस तरह गुरु महाराज के पावन चरणों में भी बेनती है कि सेवकां नूं प्रबंधकां नूं ट्रस्ट नूं अथवा सारी संगत नूं उस तरह प्यार दुलार नाल अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना, यो गुरु महाराज के पावन चरणों में यो बेनती अरदास सारी संगत वालों। तो सारी संगत नूं अज दे इस शुभ समागम की बहुत बहुत वधाई है।